याद है, उसके बावजूद भी समृद्ध ने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी और फिर मेरी सारी शर्तें भी मानने के लिए तैयार हो गई कि हाँ शादी के बाद में पढ़ाई कर सकती हूँ, सब दिखावा। अरे नहीं नहीं नहीं, रहो दे बेटा, मुलगी लक्ष्मी का रूपस्थ है और हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती। वैसे वहीनी साहब, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बच्ची को, वरना आजकल कहाँ ये सब। वैसे बेटा आप पढ़ती हो ना? जी जी जी, वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन शादी के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है आप वहीनी। अभी बेटा हो या बेटी हो, पढ़ने का हक सभी को होता है। अगर शादी के बाद दुर्वा पढ़ना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है। लड़की अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो जाए, यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पढ़े, मुंबई जाकर पढ़ना है तो शौक से जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बल्कि हमारा सैम भी मुंबई जाकर बिजनेस शुरू करके वहीं सेटल होना चाहता है। हाँ लेकिन राव साहब, हम दोनों सोलापुर कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये नौरा भाई को मुंबई जाके सेटल हो सकते हैं, आखिर जिंदगी तो इन्होंने ही साथ में बितानी है, तो जो फैसला करना है अब इन बच्चों को ही करना है। अरे नहीं नहीं, पर मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। और मैं तो शादी इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े, ये जो ताने मिलते हैं ना मुझे रोज रोज, वो ना मिले। दरअसल हमारी दुर्वा को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालेगी। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़ी अज्जी के कंधों पर आ गई थी। वो आए दिन मुझे पढ़ने लिखने से रोकती थी, मैं पढ़ने की जिद करती थी तो वो मुझे मारती थी। ईशा मैम और उन तीनों की मदद से मैं अपनी शादी से भाग गई थी। मेरी आंसर शीट 92% है। आई नो आपको यकीन नहीं होगा, आपको टैली कर सकती हूँ। ये जो मैंने तुम्हारे हाथ में मौली बांधी है ना, यू डोंट डिजर्व दिस। एक तरफ मेरी बहन है जिसके पास दुनिया भर की सुविधाएं हैं, अपना कॉलेज है मगर इससे पढ़ाई नहीं करनी, और एक तरफ सभी है जो दुनिया से लड़ भिड़ कर किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटती, और मैं एक नंबर का बेवकूफ, बिना उसकी बात सुने, बिना उसकी हालत जाने उसके हाथ से मौली उतरवा दी। ये क्या किया मैंने, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं।